हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं फिर से लेकर आ चुका हूं आप सबके लिए स्नैक्स, स्टेशनरी, गैजेट्स और टॉयज का एक धमाकेदार वीडियो। और गाइस मैं ऐसी ऐसी चीजें आज लेकर आया हूं ना आप सबके लिए, शायद ही आपने लाइफ में कभी ऐसी ऐसी चीजें देखी होंगी। इतनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एकदम कलरफुल चीजें मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं और मैं एक एक करके सारी चीजें दिखाऊंगा, सबके प्राइस भी बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर देते हैं, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ऐसी पेंसिल्स दिखाने वाला हूं ना, आपने लाइफ में ना कभी भी नहीं देखी होंगी ऐसी पेंसिल्स। गाइस ये बहुत ही प्रीमियम पेंसिल्स हैं, ये है डोम्स की सुपर डार्क ग्रेफाइट पेंसिल, सुपीरियो इसका मॉडल है। तो गाइस ये कितने की मुझे मिली है मैं आपको बताता हूँ। ये 125 रुपीज की मुझे 10 पेंसिल्स मिली है, सिर्फ 10 पेंसिल्स, यानी कि एक पेंसिल मुझे 12.5 रुपए की पड़ गई, जो कि इस मेटल बॉक्स में आती है। ये आज मैं पहली बार आप सबके सामने अनबॉक्स करने वाला हूं और आप लोग देखना कैसी है, आप लोग कमेंट में बताना कि आपको ये कैसी लगी। ये देखो गाइस हमने इसको अनबॉक्स कर दिया, कितना प्रीमियम इसकी पैकिंग है, पूरा मेटल का इसका बॉक्स दिया गया है। चलिए इसको ओपन करते हैं और वाओ गाइस क्या प्रीमियम तरीके से हमें ये पेंसिल्स पैक करके दी गई हैं। ये देखो एफर्टलेस राइटिंग ऑफ लाइटनिंग स्पीड, वाओ। और इसके साथ एक ब्रश भी हमें मिला है, तो काफी प्रीमियम चीजें हैं। तो ये देखिए गाइस, पेंसिल की कैप मिली है हमें, पेंसिल के आगे लगाने के लिए एक सिल्वर कलर की काफी प्रीमियम, और एक सिल्वर कलर का ही हमें शार्पनर मिला है। आप सोच ही सकते हैं कितना प्रीमियम ये शार्पनर होगा, और बहुत ही प्रीमियम क्लास की हमें यहाँ पर पेंसिल्स मिली हैं। ये देखो मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये रही वो पेंसिल्स, बहुत ही प्रीमियम तरीके से इनको पैक करके दिया गया है। मैंने सारा खराब कर दिया यहाँ पर। ये देखो गाइस, ये है वो पेंसिल्स, कितनी प्रीमियम पेंसिल्स हैं गाइस। ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है गाइस ये पेंसिल्स, आप देख ही सकते हैं। और ये बहुत ही एकदम ट्रायंगुलर शेप की पेंसिल्स हैं, और साथ में एक ब्रश भी मिला है। ये देखो, और इस ब्रश का क्या यूज है फिलहाल, ये देखो ब्रश इरेजर है गाइस, यानी कि आप इससे इरेज करके, और इस ब्रश से जो है यहाँ पर इरेजर है गाइस, ये देखो काफी बढ़िया। शार्पनर से इरेज करेंगे, यहाँ से इरेजर बाहर आ जाएगी, इसके अंदर रबर है, और इस ब्रश से आप जो है साफ कर सकते हैं। तो है ना गाइस कितनी प्रीमियम चीज। ये आपको पेंसिल सेट कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना, इसका प्राइस मैंने आपको बता ही दिया था 125 रुपीज। नेक्स्ट गाइस हमारे पास है एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंसिल बॉक्स। ये देखो, ये है गाइस स्पेस वाला पेंसिल बॉक्स। देखो स्काई ट्रेवल यहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है ट्रेवल विद स्टार, और यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट से एस्ट्रोनॉट बना है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर चार बटन दिए गए हैं, एक पहला बटन है इरेजर का, दूसरा बटन है सीजर्स का, थर्ड बटन है पेंसिल शार्पनर का, और लास्ट बटन है टेप कटर का। तो चलिए इन बटन को प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो टेप कटर को दबाएंगे तो ये देखो गाइस, यहाँ से एक सेलो टेप भी निकल कर आ गई, और यहाँ पर कटर भी दिया गया है। ये देखो, इसके बाद गाइस हम दबाते हैं पेंसिल शार्पनर का, तो ये देखो गाइस यहाँ से शार्पनर ओपन हो गया, और यहाँ पर भी आप चीजें रख सकते हैं। और इसके बाद गाइस हम दबाते हैं सीजर्स का, तो सीजर्स का दबाने के बाद गाइस ये देखो यहाँ से हमारी सीजर बाहर आ गई है, और ये सीजर गाइस पेपर कट करने वाली सीजर है, इससे आपके फिंगर वगैरह कटने का खतरा नहीं है, तो आप इसको बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं। और लास्ट बटन है इरेजर का, तो इरेजर का बटन दबाते हैं तो इसके अंदर से एक इरेजर भी निकल के यहां से आ जाती है। अब आप देख रहे हो कितनी प्रीमियम ये पेंसिल बॉक्स लग रही होगी। अब हम इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर और भी फीचर्स है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर रूलर लिखा है और एरो बना हुआ है, तो ये हैंडल को हम प्रेस करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ से देखो रूलर भी निकल के बाहर आ गया है, और ये रूलर है 18 सेंटीमीटर का, काफी बड़ा रूलर है। तो इसको हम वापस से इसके अंदर डाल के आप इजीली पुश करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब ये सारी चीजें आप आराम से जो है बंद कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखो काफी आसान है, यहाँ पर देखो स्कूल टाइम टेबल के लिए स्लिप मिली है, और यहाँ से बंद कर देंगे यहाँ पर। ये देखो काफी सारी पेन पेंसिल यहाँ पर रख सकते हो। और कैसी लगी आपको ये पेंसिल बॉक्स कमेंट में जरूर बताना, इसका प्राइस है 250 रुपीज। इसके बाद गाइज हमारे पास है बहुत ही शानदार, सभी का फेवरेट बैंड 10 वाला एक जंबो ज्योमेट्री बॉक्स, और आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा जंबो ज्योमेट्री बॉक्स है। और यही नहीं, इसके अंदर कैलकुलेटर भी दिया गया है, और यहाँ पर हमारा बैंड 10 है, तो ये बटन दबाएंगे तो कैलकुलेटर ऑन हो जाता है, और इसके अंदर आप कैलकुलेशन वगैरह जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे चार बटन है, 1 2 3 4, ये बटन दबाते हम, तो ये देखो ये बटन दबाने से यहाँ से एक दो
स्पेस ओपन होता है, ये बटन दबाएंगे तो यहां से भी एक स्पेस ओपन हो जाता है। यहां पर पेंसिल शार्पनर आप रख सकते हो, ये बटन दबाएंगे गाइस तो यहां से देखो एक और स्पेस ओपन हो गया है। अब ये बटन दबाएंगे तो यहां से शार्पनर का स्पेस ओपन हो गया, तो आप देख सकते हैं कितने सारे स्पेस यहां से खुल चुके हैं। अब इन सब स्पेस इन सब को आप इजीली बंद कर सकते हो स्लाइड करके, ये देखो सारे स्पेस इजीली बंद हो गए है ना गाइस, कितने आसान। तो यहां से इसको ओपन करके यहां पर पेन पेंसिल शार्पनर इरेजर आप रख सकते हो बहुत ही आराम से। और यही नहीं, पीछे भी आपको बहुत बड़ा स्पेस दिख जाता है सामान रखने के लिए। यहाँ पे 1 से 9 तक टेबल भी दी गई है और यहाँ पर नेम और क्लास भी आप आराम से लिख सकते हो। तो ये आपको बेन 10 वाली जंबो ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसका प्राइस है 220 रुपीज। नेक्स्ट गाइज हमारे पास है ये देखो क्रैक्स रिंग्स, ये 5 रुपए का पैकेट है और इसके अंदर निकलता है मैजिक ट्रिक टॉय इनसाइड। और ये गाइज मसाला फ्लेवर है, चलिए ओपन करके देखते हैं इसके अंदर कौन सा हमारा टॉय आज निकलने वाला है, कौन सा टॉय इसके अंदर निकलेगा आज। तो ये हमने ओपन कर दिया और इसके अंदर बहुत ही यमी यमी स्नैक्स भी मिलते हैं जो कि मेरे फेवरेट है। तो ये देखो गाइज इसके अंदर हमें एक रेड कलर का कोई टॉय नजर आ रहा है, निकाल लेते हैं बाहर, ये रहा हमारा टॉय। और ये देखो बाकी इसके अंदर यमी यमी स्नैक्स हैं, इस स्नैक्स को हम बाद में खाएंगे, फिलहाल हम टॉय को देख लेते हैं कैसा हमारा टॉय जो है इसके अंदर निकला है। तो इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट से और देखते हैं क्या ये काम करता है और इसका नाम क्या है ये भी अभी पता चल जाएगा। तो ये देखो गाइस हमारा टॉय बाहर आ गया, इसके साथ एक स्लिप भी मिली है। तो ये देखो ये टॉय है मैजिक, इसका नाम है देखो मैजिक लिखा है और इसके ऊपर एक स्लिप मिली है, इसका नाम क्या है देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मैजिक कॉइन बॉक्स, पुल आउट द प्लेट टू शो द कॉइन, प्लेट को बाहर निकाले सिक्का दिखाएं, प्लेट को ऐसे डालें और वापस डालें। तो गाइस कुछ इस तरीके से बाहर निकाले और सिक्के को करें गायब, तो ये कॉइन गायब करने वाला ट्रिक है। तो यहां से गाइस ऐसे निकालेंगे तो सिक्का दिख रहा है और इसको नीचे करके हम अगर नीचे से निकालेंगे तो सिक्का नहीं दिखेगा, मुझे लग रहा है कुछ इस तरीके का ये टॉय है। तो गाइज ये देखो, अच्छा गाइज ऐसे डालेंगे सिक्का दिखेगा और ऐसे करेंगे तो सिक्का नहीं दिखेगा। तो कुल मिला के ये मैजिक ट्रिक टॉय है, इसको सिर्फ उल्टा करके आपको दिखाना है, इसमें सिक्का ये सिक्का छुप जाएगा। तो काफी प्यारा टॉय यहाँ पर निकल चुका है। इसके बाद गाइज हमारे पास एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का आप सबके लिए एक फाइटर जेट प्लेन है। ये देखो सिल्वर कलर का ये प्लेन कितना मस्त लग रहा है ना गाइज, कितना क्यूट पेन, कितना डेंजरस भी लग रहा है। इसका नाम है गिफ्ट पेन, तो एक पेन है गाइज मैं आपको बता दूं। तो ये पेन सबसे पहले हम इसको फाइटर जेट हेलीकॉप्टर बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसके व्हील यहां से ओपन करेंगे, ये देखो ये इसके व्हील ओपन हो गए, अब ये खड़ा होने के लिए बिल्कुल रेडी है, आप इसको ऐसे खड़ा कर सकते हो। अब इसके जो विंग्स हैं पंखड़ियां उनको ओपन कर लेते हैं, देखो गाइज हमने ओपन कर लिया है और इसकी पंखड़ियां अभी और भी ओपन होंगी कुछ इस तरीके से ताकि ये पूरे तरीके से फाइटर जेट प्लेन बन सके। तो ये देखो कुछ इस तरीके से इसको पूरा ओपन कर लेते हैं और काफी बढ़िया लग रहा है गाइज ये देखो ओपन होने के बाद। देखो गाइज कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इसको आप ऐसे कहीं पर भी स्टैंड कर सकते हो, कितना प्रीमियम लग रहा है ना गाइज ये प्लेन। और गाइज आप इसको वापस से पेन बनाना है तो इसको सिंपली ऐसे ओपन करना है, तो ये रहा हमारा पेन और यहां से हम इसको चला करके यूज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको फाइटर जेट वाला ये प्लेन कमेंट में जरूर बताना। इस पेन का प्राइस है गाइज 100 रुपीज, तो 100 रुपीज में पेन आपको ये चाहिए गाइज, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना अपना नाम और अपनी सिटी का नाम कमेंट में जरूर लिखना। इसके बाद गाइज हमारे पास 3 क्ले हैं, ये देखो क्ले से खेलना सभी को पसंद होता है। सबसे पहले हमारे पास एक ब्लैक कलर का क्ले, उसके बाद गाइज पर्पल कलर का क्ले और उसके बाद है ऑरेंज कलर का क्ले। और हम क्या करेंगे इन तीनों क्ले को मिक्स करेंगे और देखते हैं कौन सा कलर जो है निकल के आएगा। तो सबसे पहले इनको कट कर लेते हैं, तो ये रही कैंची दोस्तों, सबसे पहले इनको कट कर लेते हैं और इसको ऐसे कट कर लेते हैं ताकि हमारे ये सब क्ले जो है इजीली बाहर आ जाए। और ये हम ऑरेंज कलर का क्ले कट कर रहे हैं। क्ले से खेलना क्या आपको भी पसंद है, अगर पसंद है तो कमेंट में जरूर बताना। ये हमने ऑरेंज वाला कट कर लिया है, अब पर्पल वाला कट कर लेते हैं, फिर इस क्ले को जो है मिक्स करेंगे और देखते हैं कौन सा कलर तीनों को मिला के निकल के आएगा। आपके पास कौन कौन से कलर का क्ले है कमेंट में मुझे जरूर बताना गाइज, मैं जरूर से आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। अब ये ब्लैक वाला हम कट कर लेते हैं और देखते हैं ये ब्लैक वाला क्ले कैसा होगा। आपने कभी ब्लैक कलर का क्ले देखा है तो जरूर बताना, मैं तो पहली बार ब्लैक कलर का क्ले जो है देख रहा हूं। तो हमने इनको कट कर लिया है, अब इनकी पॉलिथीन हम हटा लेते हैं। तो ये रहा हमारा ब्लैक कलर का क्ले, ये देखो गाइज कितना मस्त है ना, कितना सॉफ्ट है। और इसके बाद गाइज ये रहा हमारा पर्पल कलर का क्ले, कितना मस्त है, ये भी बहुत सॉफ्ट है। ये देखो अब हम अपना ऑरेंज वाला क्ले खोल लेते हैं, तो ये रहा हमारा ऑरेंज वाला क्ले। अब हम तीनों को मिक्स करेंगे और देखते हैं कौन सा कलर निकल के आएगा। तो ये देखो गाइस तीनों को हम साथ में रखते हैं, तो ये देखो गाइस तीनों को हमने मिक्स करना शुरू कर दिया है।
ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, वाओ क्या बात है। अभी देखो गाइस तीनों मिक्स होके कैसे लग रहे हैं ना गाइस, कितने ऑसम लग रहे हैं ना। तो ये देखो गाइस इस तरीके से हम इनको मिक्स करेंगे। अब आप बताना कौन सा कलर जो है निकल के आने वाला है। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तो ब्लैक ही होता जा रहा है, मुझे लग रहा है ब्लैक के साथ मिक्स होके ये दोनों ही कलर जो है ब्लैक ही हो जाएंगे, और इसमें थोड़ा सा एक क्रीम कलर का शेड भी आने लगा है। तो ये देखो गाइस मिक्स होने के बाद इनका कैसा कलर हो गया है। मैं इसको एक बॉल जैसा या चपटी रोटी जैसा बना लेता हूँ। ये देखो गाइस ये एक थोड़ा कैसा ब्लैक हुआ है, थोड़ा कमेंट में जरूर बताना। तो आपको कैसा लगा क्ले कमेंट में बताना, मुझे तो बहुत मजा आया इसके साथ खेलने में। आपको भी क्ले से खेलना पसंद है तो मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट गाइस हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया स्नैक्स है जिसका नाम है मोटू पतलू रिंग्स। और गाइस इसके अंदर निकलता है चिपकू टॉय और ये 5 रुपए का पैकेट है, टोमेटो फ्लेवर है। तो देखते हैं 5 रुपए में हमारा कौन सा इसके अंदर जो है टॉय निकलने वाला है, चिपकू वाला, देख लेते हैं। तो ये कट कर लिया है हमने और यहाँ पर देखो ये रहा हमारा टॉय, एक पर्पल कलर का टॉय निकला है और बाकी इसमें निकले यमी यमी स्नैक्स। एक खा लेते हैं बाकी को रख देते हैं, बाकी बाद में खाएंगे। बहुत यमी है दोस्तों। तो टॉय को निकाल कर देख लेते हैं कैसा ये टॉय निकला है आज हमारा। तो ये देखो एक पर्पल कलर का चिपकू टॉय इसके अंदर निकला है। तो ये रहा गाइस हमारा टॉय, कितना मस्त लग रहा है, ये तो बिच्छू लग रहा है दोस्तों। और गाइस ये चिपकेगा, जहां पर भी इसको फेंक दोगे ना वहीं ये चिपक जाएगा। देखो ये देखो गाइस इसके ऊपर चिपक गया, देखो गाइस ज्योमेट्री के ऊपर भी चिपक गया गाइस, ये देखो गिर भी नहीं रहा है। तो कुछ इस तरीके से टॉय काम करता है और ये टॉय को आप कितना भी लंबा खींच सकते हो। ये देखो गाइस मैंने इसको कितना लंबा कर दिया, तो रबड़ की तरह ये खिंच भी जाता है। कितना मस्त टॉय है ना गाइस, 5 रुपए के पैकेट में कितना मस्त टॉय हमारा निकल गया है। इसके बाद गाइस ये देखो बहुत ही प्रीमियम एक और ज्योमेट्री बॉक्स है हमारे पास स्पाइडरमैन वाला। ये देखो कितने सारे स्पाइडरमैन और विलेन यहाँ बने हुए हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ से ओपन करेंगे। तो यहाँ पर ओपन करने के बाद आप देखेंगे एक हमें मिला है मार्कर, और ये देखो गाइस यहाँ पर एक स्पेस मिला है, यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें रख सकते हो। इसके बाद गाइस यहाँ से इसको स्लाइड करके ओपन करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है व्हाइट बोर्ड, और इस व्हाइट बोर्ड पे आप इस मार्कर से जो मर्जी लिख सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। ये देखो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, और हम इसको मिटा के भी दिखाएंगे। तो देखो गाइस इससे हमने मिटा भी दिया, तो ये व्हाइट बोर्ड मार्कर बहुत बढ़िया है। इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको पेन पेंसिल रखने का बहुत बड़ा स्पेस जो है मिल जाता है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स का प्राइस है दोस्तों 180 रुपीज। इसके बाद गाइज हमारे पास है बहुत ही प्यारे स्टिकी नोट्स, इसमें 100 शीट्स मिलती है। ये गाइज स्टिकी नोट्स बहुत काम के होते हैं, और इसको कैसे यूज करते हैं जिन्होंने नहीं यूज किया मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो गाइज ये हमारे स्टिकी नोट्स हैं बहुत सारे कलरफुल, आप इसको कैसे यूज करेंगे गाइज ये देखो। जब भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट कहीं आपको लिखना है, अपना टाइम टेबल सेट करना है, इसके ऊपर आप लिख के इस तरीके से फाड़ के इसको आप कहीं पर भी चिपका सकते हो। देखो गाइस कुछ इस तरीके से वॉल पे आप कहीं पर भी चिपका सकते हो। मान लो इसके ऊपर हमने कुछ लिख लिया, अब हम इसको हटाएंगे कुछ इस तरीके से, और जहां पर भी हमें चिपकाना है वॉल पे, अपने स्टडी टेबल पे, या ऑफिस में, बिजनेस के ऑफिस में, वहीं पर भी आप इसको चिपका सकते हो। तो स्टिकी नोट्स कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। ये स्टिकी नोट्स मुझे 50 रुपीज में मिले। इसके बाद हमारे पास एक और बहुत ही ऑसम ज्योमेट्री बॉक्स है। ये देखो गाइस ये पिंग पोंग बॉल वाला पिन बॉल वाला ज्योमेट्री बॉक्स है। इसके अंदर ये देखो गेम्स भी खेल सकते हैं। देखो 4 बॉल दिए गए हैं, यहाँ पर एक हैंडल है। ये देखो अब हम एक बॉल को यहाँ लाएंगे और हमारी बॉल जो यहाँ से होते हुए ये पॉइंट्स होते हैं 30, 50, 70, 90, देखते हैं कौन सा पॉइंट हमें मिलता है। तो येलो वाली को भेजा हमें 50 पॉइंट मिला, रेड वाली को देखते हैं गाइस कौन सा पॉइंट मिलेगा। रेड वाली गाइस यहाँ पर बास्केट में फंस गई, वाओ ऐसा कभी कभी होता है। अब ब्लू वाले को भेजते हैं तो ब्लू वाले को मिले 90 पॉइंट्स। अब ग्रीन वाली को भेजते हैं तो ग्रीन वाली को मिले हैं गाइस फिर से 50 पॉइंट। तो कैसा लगा आपको ये पिन बॉल वाला गेम कमेंट में जरूर बताना। गाइस पासवर्ड वाली ज्योमेट्री है, इसका पासवर्ड है 18। तो गाइस इसको 18 पे सेट करेंगे हम, तो 2 और 9 को ऊपर करेंगे, देखते हैं खुलता है कि नहीं खुलता है। तो देखो गाइस नहीं खुल रहा है, तो गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और 8 को ऊपर करेंगे तो अब ये खुल जाएगा। ये देखो गाइस ये हमारा पेंसिल बॉक्स खुल चुका है। ये देखो काफी बढ़िया लग रहा है, और इसके ऊपर ये देखो काफी बढ़िया हमें ये इमेजेस बनाने के लिए एक जगह मिली है, और यहाँ पर भी आप बहुत सारी चीजें अपनी रख सकते हो। तो कैसा लगा आपको ज्योमेट्री बॉक्स कमेंट में जरूर बताना। इसका प्राइस है दोस्तों, पासवर्ड वाली ज्योमेट्री बॉक्स का प्राइस है गाइज 200 रुपीज। ये काफी प्रीमियम क्वालिटी की ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। इसके बाद गाइज हमारे पास एक मोबाइल स्टैंड है, ये देखो काफी बढ़िया, ये हमने 20 रुपीज में खरीदा है। इसके ऊपर कैसे भी आप मोबाइल को लगा सकते हो। देखो गाइज जैसे आपको कभी स्टडी करना है, ऑनलाइन क्लासेस हैं तो ऐसे लगा लिया, आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, या फिर फोन को ऐसे भी लगा के इसमें आप
खड़ा कर सकते हो। तो ये काफी बढ़िया हमारा जो है मोबाइल स्टैंड है, ये 20 रुपए में काफी अच्छा है। और इसके बाद गाइज हमारे पास एक फैन, जब लाइट चली जाए तो आप इस फैन को कैसे यूज करेंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको फोन के चार्जर में यहाँ पर इसको ऐसे लगाना है और ये घूमने लगेगा। ये देखो गाइज ये घूमना शुरू हो चुका है। ये देखो गाइज कितना मस्त लग रहा है ना, ब्लैक कलर का फैन। और बंद करने के लिए सिंपली इसको निकालेंगे, ये बंद हो जाएगा, फिर से इसको लगाएंगे ये चालू हो जाएगा। और ये फैन गाइज हमने 50 रुपए में खरीदा है। तो ये आपको फैन कैसा लगा, पोर्टेबल फैन, कमेंट में जरूर बताना, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। इसके बाद गाइज ये देखो बहुत ही बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी की हमारे पास अप्सरा की एवेंजर्स वाली पेंसिल्स हैं, यानी कि जितने भी आप कैरेक्टर देख रहे हो, हल्क, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका, ये सारे इन पेंसिल्स के ऊपर प्रिंटेड मिलने वाले हैं। और इस पेंसिल सेट का प्राइस है 100 रुपीज। तो देखते हैं इसको ओपन करके कैसी इसके अंदर हमें क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। तो ये देखिए हमने ओपन कर लिया है, तो सबसे पहले हमें एक मिला इरेजर जिसके ऊपर कैप्टन अमेरिका बना हुआ है। और इसके बाद गाइज हमें मिलता है इसके अंदर एक शार्पनर, ये देखो इसके ऊपर एवेंजर्स लिखा हुआ है और इसके अंदर वही 3 कैरेक्टर प्रिंटेड है। और इसके बाद देखते हैं पेंसिल कैसी मिलती है हमें। तो ये देखो गाइज हमने सारी पेंसिल निकाल ली है, ये देखो गाइज, और ये देखो एवेंजर्स वाली हमारी पेंसिल्स कितनी बढ़िया लग रही है। ये देखो इस पे क्या, ये कैप्टन अमेरिका वाली पेंसिल है, ये आयरन मैन वाली पेंसिल है, ये देखो गाइस इस पे तीनों ही हैं, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और हल्क। तो कैसी लगी आपको ये पेंसिल्स एवेंजर्स वाली, कमेंट में जरूर बताना। और ये बहुत ही प्रीमियम अप्सरा की पेंसिल्स हैं दोस्तों, मुझे तो ये पेंसिल्स बहुत ही ज्यादा पसंद आई। इसके बाद गाइस ये देखो हमारे पास एक फाइटर जेट वाली इरेजर है, ये हमने 10 रुपए में खरीदी है, काफी बढ़िया इरेजर है। इसके बाद गाइज हमारे पास डायनासोर वाली इरेजर है, कितनी क्यूट है, इसको आप ऐसे स्टैंड भी कर सकते हो, इसका प्राइस भी 10 रुपए है। और इसके बाद गाइज हमारे पास एक एस्ट्रोनॉट वाली इरेजर है, ये देखो कितना मस्त एस्ट्रोनॉट है, इसको भी आप स्टैंड कर सकते हो टेबल पे और इसका प्राइस भी 10 रुपए है। और इसके बाद गाइज हमारे पास अप्सरा का एक 10 रुपए वाला इरेजनर है, ये टाइडी अप इसका नाम है, यहाँ से पेंसिल डाल के शार्प करेंगे और ओपन करके कचरा निकाल करके फेंक देंगे और यहाँ से इसको हटा के कैप को हम इरेजर यूज कर सकते हैं। तो इसका प्राइस है 10 रुपए, इसका कलर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके बाद गाइज हमारे पास एक डोरेमोन वाला शार्पनर है, काफी क्यूट, यहाँ से पेंसिल डाल के आप शार्प कर सकते हो और ऐसे ओपन करके कचरा निकाल के फेंक सकते हो। तो ये 10 रुपए का शार्पनर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, मेरा तो ये फेवरेट है। इसके बाद गाइज हमारे पास 2 शार्पनर और हैं, जो है गाइज ये देखो, एक टेडी बियर वाला, एक यूनिकॉर्न वाला। और इनको कैसे यूज करना है गाइज, इनको गाइज यहाँ से आपको इसको हटा के यूज करना है। गाइज ये देखो यहाँ पर एक होल है, सॉरी इधर से ये उल्टा लगेगा, देखो गाइज यहाँ पे होल है, यहाँ से पेंसिल डाल के शार्प करना है और यहाँ से भी शार्प करनी है और बाद में ऐसे ओपन करके कचरा निकाल करके फेंक देना है दोनों में से। और इनका प्राइस है गाइज 20-20 रुपीज, ये बहुत ही प्यारे शार्पनर्स हैं। और इसके बाद हमारे पास गाइज एक ये देखो यूनिकॉर्न का एक मिरर है, ये देखो इसके ऊपर कितना क्यूट यूनिकॉर्न यहाँ पर बना हुआ है, ये देखो बहुत ही शानदार लग रहा है, ये देखो यहाँ पर भी यूनिकॉर्न है। और मिरर कैसे यूज करेंगे, ऐसे ओपन करके आप मिरर को यूज कर सकते हो, है ना गाइज, कितना प्यारा मिरर। इस मिरर का प्राइस है 30 रुपीज। इसके बाद गाइज हमारे पास 2 इरेजर और हैं, एक है हमारे पास बाइक वाली इरेजर, काफी क्यूट लग रही है ना, और एक है हमारे पास आइसक्रीम वाली इरेजर, इनका प्राइस भी 10-10 रुपीज है। और इसके बाद गाइज हमारे पास ये देखो छोटा सा एक स्टेशनरी सेट है, ये देखो काफी बढ़िया सोफिया द फर्स्ट का स्टेशनरी सेट है, इसको निकाल कर देख लेते हैं, काफी बढ़िया लगने वाला है स्टेशनरी सेट, इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करके इसकी कैसी क्वालिटी है हम देख पाएंगे। तो ये देखो गाइज हमने इसको ओपन कर लिया है और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है अभी पता चल जाएगा। तो इस स्टेशनरी सेट के अंदर हमें मिला है गाइज ये देखो, एक हमें 15 सेंटीमीटर का स्केल मिला है बहुत ही क्यूट, और एक 2 पेंसिल मिली है, एक इरेजर मिला है और एक शार्पनर हमें यहाँ पर मिला है। और इसके बाद गाइज हमारे पास एक वॉच है, ये देखो कैप्टन अमेरिका, सॉरी आयरन मैन वाला वॉच है, काफी शानदार, यहाँ पर आयरन मैन का फेस बना हुआ है रोबोटिक एकदम, और इसको ओपन करके यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो और यहाँ पर एक बटन है, इसको दबा के लाइट और म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हो। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना इसमें लाइट और म्यूजिक, इस वॉच का प्राइस है 150 रुपीज। और इसके बाद गाइज हमारे पास सेम एक बैंड 10 वॉच भी है और इसमें भी आप टाइम ऐसे ओपन करके देख सकते हो, ये देखो कितना क्यूट इस पे टाइम आ रहा है, कितना क्यूट यहाँ पर बैंड 10 का फेस बना है, और यहाँ पर भी एक बटन है, इसको दबा के आप म्यूजिक और लाइट को एंजॉय कर सकते हो। ये देखो कितना बढ़िया और लाइट म्यूजिक इसके अंदर आ रहा है ना दोस्तों, इसका प्राइस भी 150 रुपीज है। दोनों वॉच को हमने 300 रुपीज में खरीदा है।
तो कैसी लगी आपको ये हमारी वॉचेस कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद गाइज हमारे पास दो मिनी पैन हैं आपके लिए, ये देखो ये एक रैबिट वाला पैन है और देखो गाइज इसके अंदर हमें चार कलर मिलते हैं, ग्रीन, पिंक, ब्लू और ग्रे। ये देखो गाइज कुछ इस तरीके से आप जो इनके कलर्स को निकाल के यूज कर सकते हो। ये रैबिट वाला पैन 20 रुपीज का है। इसके बाद गाइज हमारे पास है लिपस्टिक वाला पैन, ये देखो एकदम रियल लिपस्टिक लग रहा है, बट ये एक पैन है, यहाँ से ओपन करके आप पैन को यूज कर सकते हो। कितना प्रीमियम पेन है ना गाइज, इसका प्राइस है गाइज 30 रुपीज। और इसके बाद गाइज हमारे पास एक मैकेनिकल पेंसिल है, बहुत ही शानदार, और इस पेंसिल को यूज करने के लिए इसके ऊपर एक इरेजर भी मिलती है। देखो गाइज ये कैप के अंदर इरेजर है और यहाँ पर इसको दबाएंगे बटन को, तो इसको बटन को दबाने से यहाँ से पेंसिल की टिप बाहर आ जाती है, देखो आ चुकी है, जितनी निकालनी है सिर्फ उतनी निकालनी चाहिए, बाकी इसको बटन को दबा के अंदर पुश करेंगे तो इसकी टिप अंदर चली जाएगी। तो ये मैकेनिकल पेंसिल बहुत काम की है, इसका प्राइस है 30 रुपीज, ये काफी अच्छी पेंसिल है। इसके बाद हमारे पास बहुत ही बढ़िया एक टूथब्रश है आप सब के लिए, जो है एक हमारा आयरन मैन वाला टूथब्रश, ये एवेंजर्स सीरीज का टूथब्रश है, यहाँ पर एवेंजर्स भी लिखा है और यहाँ पर आयरन मैन बना हुआ है। देखो गाइस कितना क्यूट सॉफ्ट ब्रश है और ये बहुत ही मतलब आपके टीथ को सुपर क्लीन बना देगा। और इस ब्रश का प्राइस है गाइस 50 रुपीज, 50 रुपये में हमें ये प्रीमियम आयरन मैन वाला ब्रश मिल जाता है। और इसके बाद हमारे पास ये देखो एक इरेजर है, जो है सब मरीन वाली इरेजर, ये बोट पानी के अंदर चलती है गाइज, ये वो वाली इरेजर है, ये 10 रुपये में हमने ली है। इसके बाद हमारे पास है एक अनशार्पनेबल पेंसिल, इसके ऊपर यूनिकॉर्न बना हुआ है डोनट वाला, और यहाँ पर इसको कैसे यूज करेंगे ये देखो, इसके अंदर साथ टिप मिलती है, ये घिस जाएगी, तो इसको सिंपली यहाँ से डालना है और पुश करना है, न्यू टिप यहाँ से बाहर आ जाएगी। इसका प्राइस है 20 रुपीज। और इसके बाद गाइज हमारे पास सेम यही पेंसिल है एक और, इसके ऊपर सीटी लगी है, इसको फूंक मारेंगे बहुत ही प्यारा साउंड आता है सीटी में, और आप इस तरीके से ही इसमें भी टिप निकाल करके पीछे से डालेंगे तो न्यू टिप यहाँ पर बाहर आ जाती है। तो ये पेंसिल भी हमने 20 रुपीज में खरीदी है। इसके बाद हमारे पास बचे हैं चार और पेन, ये गाइज ये देखो, सबसे पहले हमारे पास है जिराफ वाला पेन, इसको गाइज ऐसे ओपन करके आप यूज कर सकते हो ये देखो, और इसको आप जिराफ वाले पेन को आप ऐसे स्टैंड भी कर सकते हो, है ना गाइज, कितना बढ़िया पेन, इसका प्राइस है 40 रुपीज। इसके बाद गाइज हमारे पास है ये देखो एक यूनिकॉर्न वाला प्रीमियम पेन, और इसकी टिप ऐसे बाहर आएगी, इसको घुमाना है, ये देखो यहाँ से टिप बाहर आ जाती है, देखो आ चुकी है, और इसको आप चला के यूज कर सकते हैं। और इसकी इसका यही यूज नहीं है, इससे आप फोन को भी यूज कर सकते हो, ये पेन है बहुत ही काम का पेन है दोस्तों, ये बहुत काम आता है। और इसके बाद गाइज हमारे पास एक बहुत ही शानदार मल्टी कलर वाली आइसक्रीम वाला पेन है गाइज, इसकी इसको आप कुछ इस तरीके से जो है इसकी टिप्स को यूज कर सकते हो, ये देखो इसमें ब्लू, पर्पल, येलो, ब्लू, चॉकलेट और रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक, पिंक कलर, इसके अंदर बहुत सारे कलर मिलते हैं। ये देखो पिंक कलर हम चलाते हैं, ये देखो गाइज हाथ पे चल भी रहा है, हम दूसरा चलाते हैं ब्लू चलाते हैं, देखो गाइज ब्लू भी चल रहा है, अब हम चलाते हैं थोड़ा रेड, तो देखते हैं रेड भी चल रहा है, देखो गाइज सारे कलर इसके काम करते हैं। ये 80 रुपीज का पेन है। और इसके बाद गाइज हमारे पास एक यूनिकॉर्न का प्रीमियम पेन, ये देखो इसका फर बहुत सॉफ्ट होता है, ये देखो काफी टच अच्छे करने में अच्छा लगता है, और इसके ऊपर इसमें भी बहुत सारे कलर हमें देखने के लिए मिलते हैं। इस पेन का प्राइस है 100 रुपीज। गाइज मैंने आपको सारी चीजें एक एक करके दिखाई, आओ ये आपको मजा आएगा, मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना व्हाट्सएप फेसबुक पर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के आइकन को जरूर दबा लेना, और कमेंट में आपको क्या क्या पसंद आया जरूर लिखना, और अपना नाम और अपनी सिटी का नाम भी जरूर बताना। बाय बाय।